नमस्कार आदाब, मैं मारूफ मिलन रहमानी, स्वागत है आपका सारा सच में। बिहार में कब होंगे पंचायत चुनाव और कैसे काम करेगी परामर्शी समिति, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिहार में फिलहाल पंचायत चुनाव के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव नहीं होंगे, चुनाव होंगे। तत्काल चुनाव नहीं होने का मतलब ये भी नहीं कि मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार खत्म हो जाएगा या फिर उनसे ये अधिकार छीन लिया जाएगा। उनके पास अब भी अधिकार है। राज्य सरकार उनको परामर्शी समिति का हिस्सा बनाएगी। 16 जून से परामर्शी समिति के तौर पर गांव की सरकार काम करेगी। दरअसल जो पंचायत प्रतिनिधि 2016 में चुनकर आए थे, कायदे से मार्च अप्रैल में चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए था, मगर ईवीएम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग में झगड़ा और फिर कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत ने पंचायत चुनाव में पानी फेर दिया। जून में मॉनसून की शुरुआत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। कोरोना और मॉनसून जैसी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार प्रारंभ किया है। अब ये तय हुआ है कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, इसके स्थान पर परामर्शी समिति पंचायतों का कामकाज देखेगी। वर्ष 2016 में गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरी 16 जून से स्वतः भंग मानी जाएगी। इस तरह से 15 जून के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। पंचायतों और कचहरियों का काम प्रभावित ना हो, इसके लिए परामर्शी समिति बनाई जाएगी। बिहार में 16 जून से पंचायतों में परामर्शी समिति काम शुरू कर देगी। पंचायती राज कानून में संशोधन किया जाएगा। हालांकि अब तक ये तय नहीं हुआ है कि परामर्शी समिति की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, किसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, परामर्शी समिति में कौन कौन रहेंगे, ये अध्यादेश में प्रावधान किया जाएगा। कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग को अध्यादेश तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। चर्चा है कि अधिकारियों और मौजूदा त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को मिलाकर परामर्शी समिति गठित होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्लॉक स्तर पर सीओ और बीडीओ पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर परामर्शी समिति चलाएंगे। हर 2 या 3 महीने में इसकी बैठक तय की जाएगी। इस मीटिंग में विकास योजनाओं की रूपरेखा तय होगी, उसी हिसाब से फंड का अलॉटमेंट भी किया जाएगा। उसी तरह से जिला स्तर में डीएम परामर्शी समिति का संचालन कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले से साफ हो गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग अगले 6 महीने चुनाव नहीं करने जा रही है। ऐसे में चुने हुए 2.5 लाख से अधिक त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय प्राधिकार चुनाव में चुने जाने वाले विधान पार्षदों का भविष्य भी अधर में लटक गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चर्चा है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग अगले साल नगर निकाय के चुनाव के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का विचार कर रही है। हालांकि इस पर अब तक अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।